असल में खुद इतना सर मूविंग रोड, मूविंग रोड में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई रोड है, ठीक है, हम किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उस रोड पे जो बेड आने वाला है, जो लाइक अलग अलग तरीके से लाइक बाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल्स आ रहे हैं, सभी ट्रेवल्स के क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, उनकी वजह से क्या रिफ्लेक्शन आएगा उस रोड पे, उस सिस्टम को देखना है। तो उसका एक सैम्पल तैयार करेंगे छोटा सा, और उस पर हम लोग बाइक मूव करके देखेंगे कि किस तरह से उस पर इफेक्ट आता है मूविंग रोड। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल जैसे अभी तक करते हैं, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे आपको डाल देना चाहिए मूविंग रोड। तो हम लोग यहाँ पर अपना मूविंग रोड नाम दे देंगे, और इसके मूविंग रोड देने के बाद यहाँ पर जिस तरह से हम लोग यूनिट लेते आते हैं, मीटर 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 हो कैसे कभी चेक रिकॉर्डिंग। और देट हम लोग जनरल पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे क्या है, ठीक है। तो सपोज अभी हमने इसको एक साइज दे दिया सर, और साइज दिया हमने 0.45 × 0.25, ठीक, इस तरह से कुछ भी एक साइज दे दिया, जिस साइज से ये मान लीजिए डेस्क है, इस डेस्क पे हम लोगों साइज दे दिया कुछ, एंड आफ्टर इट इसको ऐड किया और ऐड करके क्लोज कर दिया, और सिंपल जैसे अभी तक हम लोग इसको सेलेक्ट करके और असाइन करते हैं, वैसे ही अभी असाइन कर दिया, एंड आफ्टर असाइन सपोर्ट दे देना सर, सपोर्ट देना हो सपोर्ट यहाँ पे देने के लिए। अभी मैं आपको आज सॉफ्ट सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि फिक्स सपोर्ट को कैसे लगाते हैं, क्या होता है, और पिन सपोर्ट क्या होता है, ठीक। तो हमने एक पीपीटी तैयार की है उस पर, तो देखेंगे हम लोग उसको। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद यहाँ पर पैड किया, तो एक साइड हमने फिक्स लगाया और दूसरे साइड हमने पिन लगाया। अब हमने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लिया, और लेने के बाद एक साइड हमने फिक्स सपोर्ट लगा के असाइन कर दिया, एंड सेकेंड साइड में हमने यहाँ पर लिया और ये लेने के बाद असाइन, और यस ठीक हमने दे दिया इसको, अभी थिकनेस भी दे दिया, सपोर्ट भी दे दिया। हम अगर इसको देखना चाहें हम देख सकते हैं इसका 3D रेंडर भी, सॉरी सेलेक्ट यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके हम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि हमारा अच्छा खासा एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग अपना मूविंग रोड डाल के देखेंगे कि क्या इसका इफेक्ट आता है, मूविंग रोड का इफेक्ट क्या है इसमें, ठीक। तो मूविंग लोड डालने के लिए हम लोग को यहाँ पे लोड एंड डिफिनेशन पे जाना चाहिए, और लोड एंड डिफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कोई भी लोड डालने से पहले सर हमको डिफाइन करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट है क्या ये, ठीक। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफिनेशन पे क्लिक किया, और डिफिनेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मूविंग लोड है, मूविंग लोड व्हीकल डिफिनेशन, व्हीकल को रिप्रेजेंट करेगा ना कि हमारे अलग अलग व्हीकल क्या क्या आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे व्हीकल डिफिनेशन पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड कर दिया। अब हम लोग एक एवरेज निकालते हैं, लाइक हम लोग रोड पे खड़े हो गए और फिर देखा कि कौन कौन सी बाइक जा रही है, ठीक है, और फिर सभी बाइक का एक एवरेज वेट निकाला कि क्या एवरेज वेट हो सकता है। सपोज अगर एक बाइक का एवरेज वेट 30 kg/km है, तो हमने क्या किया उसको दे दिया 30, ठीक। अब जितने बाइक आपको प्रेजेंट करने हैं उतने बाइक से आप ऐड कर दिए, यहाँ पर टैप बटन दबे तो दूसरे बाइक के लिए स्पेस आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने लिया 30, फिर से हमने कहा 30 है, ठीक है। फिर गैपिंग निकाल लीजिए कि एवरेज गैपिंग निकालिए कि एक बाइक से दूसरे बाइक के बीच में गैपिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। सपोज उनके बीच में जो गैपिंग है वो आधा आधा मीटर हमने गैपिंग दे दी, हाफ हाफ मीटर, 1 meter, हाफ मीटर, जो आपको समझ आया, ठीक है। एंड आफ्टर इट फिर से हमने गैप्स किया, जितनी बाइक्स लगानी है आपको, इस तरह से हमने सपोज 5 बाइक को हमने ऐड कर दिया, बाइक हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको जितने ऐड करने हैं उतने आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक। और ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने ऐड पे क्लिक किया, और ऐड क्लिक करने के बाद क्लोज कर दिया, बस इतना सा करना है सर। एंड आफ्टर इट लोड कैस्ट डिटेल्स पे जाना है, अब लोड के बारे में थोड़ा बताना है आपको। यहाँ पर ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर अभी तक क्या करते थे हम लोग, डेड और लाइव लोड लगाते थे, आज हमें लोड जनरेट करना पड़ेगा। लोड जनरेशन इसको बोलते हैं, लोड जनरेशन मीन्स लाइक यहाँ से बाइक गई फिर दूसरा बाइक यहाँ पर आया, जब बाइक चलती है सर उस पर लेटरल फोर्स काम करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करता है, जैसे इधर की ओर जा रहा था पहिया उसको बार बार मूव करता है। अब हमें लोड जनरेट करना है कि हम कितने स्टेप्स पे देखना चाह रहे हैं कि बाइक का इफेक्ट क्या आएगा। सपोज एक स्टेप यहाँ पर डाला, फिर हमने कहा एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, इस तरह से हमने स्टेप्स देते चले गए। तो हमने कहा कि हम नंबर ऑफ लोड्स टू बी जनरेटेड, हमने कहा 20 प्लेसेस पर हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब 10 मीटर पर 20 प्लेसेस पर देखना चाहते हैं कि कितना हमारा इफेक्ट आएगा। तो हमने 20 ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर क्लोज। अब
यहाँ पे जब जनरेट नोड पे फिर से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है हमसे कि लोड इंक्रीमेंट। अब जो हमारा लोड है वो यहाँ से जाएगा इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस होगा हमारा। अब एक्स एक्सिस में जो हमारा बाइक है, एक बाइक अभी सारी बाइक्स इसके पीछे है, जब हम इसको रेंज देंगे कि कितनी गैपिंग है इनके बीच में तो तुरंत बाइक से यहाँ पर लग जाएगी। उस बाइक को लगाने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 0.5 डालना, क्योंकि हाफ मीटर हमने डाला था वहाँ पे, और एक करके जैसे हम इसको ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर बाइक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बस इतना करना है, इसके बाद आपको लोड इस पर जो लोड डालना है, लोड के लिए नॉर्मल तरीका है जैसे आप अभी लास्ट में काम करते आए हो, लोड के डिटेल पर गया और यहाँ पर जाने के बाद ऐड किया और इधर हमने ऐड डेड लोड लिया और डेड लोड लेने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया और इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद -1.5 हमने इसको दे दिया और ये देने के बाद ऐड करके क्लोज वेव्स को सेलेक्ट किया और असाइन टू सेलेक्टेड वेव्स असाइन। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा इसका इफेक्ट क्या क्या है, अलग अलग क्या इफेक्ट आएगा। मेन हमारा मोटो यहाँ पर यही है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले एनालाइज भी आना है। एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पर ऑल करेंगे, ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे एंड आफ्टर इट एनालाइज रन एनालिसिस एंड सेव। इसमें सर वार्निंग्स काफ़ी आती हैं, क्योंकि वार्निंग्स इसलिए आती है क्योंकि हमारा यहाँ कोई रोड का परफेक्ट साइज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वार्निंग्स यहाँ पर देगा देगा जब भी आप मूविंग करोगे, और क्या बोलते हैं ये 1 बाई 2 भी और भी बहुत सी चीज़ें देखता है, इसकी वजह से मूविंग देता है, हमें एरर नहीं देता। और इसके बाद जब इसको डन करेंगे, डन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लोड्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक लोड, दो लोड, 20 लोड जिनने हमने जनरेट किए थे, सारे लोड आ गए, साथ में एक मेरा अपना लोड आ गया डेढ़ लोड का जो हमने अलग से लगा था, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारी जो बाइक्स इस पर चल रही थी क्या इफेक्ट आ रहा है, तो इफेक्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे चले जाना चाहिए और यहाँ पे हमें ओके करना चाहिए। अभी जैसे मैंने इसको बड़ा किया और मैं इसका इफेक्ट देखना स्टार्ट किया, पहले कंट्रोल दबा इसके ग्राफ को निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें लोड 1 पर हम लोग हैं, ठीक है। अगर हमें अभी बाइक्स को लगा के देखना है तो उसके लिए यहाँ पर लोड्स पे क्लिक करेंगे और जैसे लोड पे क्लिक करेंगे तो जितने हमने लोड जनरेट किए थे 1, 2, 3, 4, 5 जनरेट किया था हमने, ये आ गए। अब जैसे जैसे ये मूव होंगे, देखिए जैसे ये मूव हो रहा है, अभी क्या होगा कि जैसे हमने सेकंड लोड पे क्लिक किया, लोड जनरेट 2, देखिए हमारा लोड यहाँ पर मूव हुआ, तो लोड मूव हुआ तो हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर जाके और ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे 2 पे आ गए, 3 पे आए तो ये इफेक्ट आया, 4 पे आए तो ये इफेक्ट आया, 5 पे आए तो ये इफेक्ट आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो जितने लोड हमने जनरेट किए सभी के अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा। उसको वैल्यू देखना है तो वैल्यू देखने के लिए लास्ट टाइम मैंने आप बताया था आप रिजल्ट पे जाएंगे और व्यू वैल्यू पे क्लिक करके व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल दिया। मैक्सिमम रिजल्ट देखने के बाद यहाँ पे देखा तो इस पॉइंट पे जो इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिड पर मिड पॉइंट पर आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे सपोर्ट की कमी हो जाती है कि हम लोग क्या क्या सपोर्ट लगाएं। यहाँ पे इस लोड पे देखा था हमें यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना मिल रहा है और यहाँ पे इसके बाद ये क्लिक किया तो यहाँ पे बाद में हम लोग देखते हैं कि इतने डिफ्लेक्शन पे क्या ये फेल्योर हो जाएगा, क्या फेल हो जाएगा क्या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट में जब देखेंगे डिजाइन करेंगे किसी चीज़ का तो वहाँ पर हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि फेल्योर हो रहा है क्या, उसका एक लिमिट देता है मैक्सिमम लिमिट इतना इसके अंदर में है डीएन से, अगर इसके ऊपर है तो डिजाइन फेल है, तो लोग इसके देखेंगे जब हम लोग डिजाइन करेंगे इसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग मूविंग लोड टॉपिक को खत्म करते हैं यहाँ पे। अब